नमस्कार सर, मैं आपसे आज ये जानकारी लेने आया हूँ कि जो हमारी जो केंद्र मशीन अठारह प्लेट की फाइट्रोटेमी जो लॉन्च कर रही है जी, उसके रिगार्डिंग में आपसे कुछ जानकारी आप हमें दीजिए। काफी अफवाह फैल रही है काफी दिनों से लोग कि ये मशीन सही नहीं है, ये डुप्लीकेट है, ये खुद का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है, तो ये सब के बारे में आप कुछ क्लियर कीजिए। थोड़ा इनडायरेक्टली बताता हूँ जी, 2016 हम लोगों ने पुलिस्टन नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था और उस वक्त फाइटोसाइंस बहुत तेजी से इस प्रोडक्ट को बेच रहा था। उस टाइम पर उनके जो मेन सप्लायर थे विवेल बायोकेमिस्ट्रीज और जेरेड की कंपनी, उससे हमने बात की, अच्छी प्रोजेक्शन थी हमारी और हमने साथ में मिलकर शुरू किया। और अभी जो चल रहा है ये तो 1/10 भी नहीं है जो 2015 में हमने देखा। फिर हमने ट्विंगस्टन को लॉन्च किया, प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत बड़ी सेल हमने उसकी की। जहां तक आयोनाइजर्स का सवाल है, ये एक नीड बन जाएगी आने वाले टाइम में और डेफिनेटली यदि हम कोई ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं तो उसका लीगल वर्क प्रॉपर वे कवर होना ही डेफिनेटली। पब्लिक का कहना है कि ये बाहर की मशीन है, बाहर का प्रोजेक्ट है और आप लोग ये कर रहे हो, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और जैसा फाइटोसाइंस के साथ हुआ था, कहीं ऐसा ही इन कंपनियों के साथ भी नहीं हो कि आप दो चार चीजें देखिएगा। आयोनाइजर कुछ नहीं होता, आयोनाइजर एक चैम्बर है जिसके अंदर आपको प्योर सिमेटिक चाहिए जहां पर आप आयोनाइज करते हैं, तो आपको प्लेटिनम चाहिए जी। उसके सिवा और इंटीरियर मटेरियल लेंगे तो उसके सॉल्ट्स प्लेट होते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी आयोनाइजर्स बन रहे हैं वो प्लेटिनम कोटेड प्लेट से होते हैं। आपको मैक्सिमम सरफेस एरिया चाहिए, तो लोग क्या करते हैं 3 प्लेट 5 प्लेट 7 प्लेट 9 प्लेट 12 प्लेट अब हम 18 प्लेट। आपको मैक्सिमम सरफेस एरिया चाहिए, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा, उतनी अच्छी फ्लो रेट होगी। हम पहली ऐसी कंपनी हो गए जो इनपुट यदि 6.5 पीएच का पानी भी है जो आपके केरला में है, तमिलनाडु में है, उसको भी अल्कलाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मशीनें क्या कर रही है, आपने कभी खोल के देखा उसे? आप देखोगे कि दो चीजें हैं जो बहुत बड़ा गिमिक है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। आपको आयोनाइज करने के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन की क्यों जरूरत पड़ी है? क्या आपका आयोनाइजर अच्छा नहीं है? तो आप यदि सॉल्ट सॉल्यूशन डाल के टीडीएस बढ़ाकर उसको अल्कलाइन पहले से बनाकर, कॉन्टैक्ट आयोनाइजेशन नहीं होता है। यदि कॉन्टैक्ट से आपको पानी को अल्कलाइन करना है तो चूना लेकर डाल दीजिए, अल्कलाइन हो जाएगा, आपकी किडनी क्लियर हो जाएगी। तो आपको आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन चैम्बर के माध्यम से करना है। हमने मशीन के अंदर कोई भी इस प्रकार का केमिकल ऐड नहीं किया, जो कि जिस जो कंपनियां बोल रही है, यदि आप उनकी मशीन खोलेंगे तो एक साइड पर एक्रिलिक का चैम्बर दिखेगा जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन है, क्या डालने की जरूरत है? यानी आपका आयोनाइजर अच्छा नहीं है, सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा और भारत सरकार ने तो उसको छिड़काव तक के लिए बना किया कोविड के टाइम। दूसरा आप देखोगे कि अंदर एक फिल्टर लगा होगा, क्या जरूरत है 6,000-7,000 का फिल्टर लगाने के लिए? वो कोई क्लोरीन ब्लॉकर नहीं है, वो कॉन्टैक्ट से अल्कलाइन बना रहा है, क्या जरूरत है आपको फिल्टर लगाने की? फिल्टर आप बाहर 400-500 रुपए का लगाइए। आपके आयोनाइजर में इतना दम होना चाहिए कि वो किसी भी टीडीएस के पानी को आयोनाइज कर। आप यूपी जाइए, टीडीएस 800, तो आपको ऐसा आयोनाइजर चाहिए जो टीडीएस 800 का भी यूज कर सके पानी को, आपको ऐसा आयोनाइजर चाहिए जो 6.5 पीएच के पानी को भी अल्कलाइन कर सके। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, उसके लिए एक ईमानदारी के साथ बेहतरीन आयोनाइजर इंपोर्ट करना है, राइट, वो हमने किया। अब दूसरी चीज देखिए, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कैसी है? यदि वर्ल्ड वाइड रेट करते हैं तो रिपोर्ट के हिसाब से बता दो, एक से लेकर 6 तक, 1 पुअर और 6 एक्सीलेंट जी, तो इंडिया रेट करता है 1.8, क्योंकि यहाँ पे लीनियर लोड नहीं है, पावर फ्लक्च होता है, लेकिन वहां पे स्पीकरिंग लाइट सेम है। सही, जापान में नहीं है, जापान है वहां का जो पैरामीटर 5 है, यानी हम 1.85 पर खड़े हैं पावर सप्लाई की क्वालिटी पर, तो लोग 5 है और यूएस 5.65 है, गोरिया उस हिसाब से 4.85 है, यानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की क्वालिटी कैसी है? तो क्या हम एक बेहतरीन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई रिप्रेजेंट कर सकते? और हमने अपनी मशीन में 3 साल का इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन लिया, फ्री डायरेक्ट, यानी हमको अपने मशीन पे इतना कॉन्फिडेंस है कि
कहीं पे भी, कोई ग्रामीण क्षेत्र हो, कोई शहरी क्षेत्र हो, कोई भी पावर फ्लक्चुएशन हो, उसको कुछ नहीं होने वाला। तीन साल में आप मशीन वापस रिप्लेस करें, जैसे एप्पल का फोन होता है आपका खराब होता है तो पूरा फोन रिप्लेस हो जाता जी, वैसे ही होगा। यदि खराब हुआ तो आपको मशीन रिप्लेस कर दी जाएगी। एक बड़ा बेहतरीन आयोनाइजर है, बेहतरीन इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसमें सब चीजें बेस्ट क्वालिटी की यूज की गई है, और इसमें सॉफ्टवेयर दिया गया। हर शहर में अलग अलग टीवीएस का मान है, हर शहर का, और शहर के अंदर भी समझिए आपने आरओ लगा दिया आपका टीवीएस का, आपको चार्ट दिया जाएगा, पांच मोड में से एक मोड सेलेक्ट कर देना, यानी वहां के हिसाब से मशीन अपने आपको मोड करेगी। जैसे अभी हम दूसरे मशीनों में एक्स्ट्रा आयोनाइज लगा, जरूरत नहीं पड़ी चाहिए आरओ एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, इसमें जरूरत की वजह से हाँ इसमें जरूरत, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टीडीएस होता है, तो सर ये हर जगह हमारी ये मशीन वर्क करेगी उम्मीद है। और जहां तक ट्रायल चल रहे, बहुत एक्सटेंसिव ट्रायल चल रहे हैं पिछले 20 दिन से, हर टाइप के टीडीएस के पानी के ऊपर, हर टाइप के इनपुट अल्कलाइनिटी के ऊपर, जैसे केरला में हमने देखा अभी हमारे ट्रायल चल रहे, वहां पर 6.5 पीएच का पानी आता है वहां पर। तो जनरली ये जो छोटे आयोनाइजर वाली मशीन होती है जिनकी सर्किट इतनी पावरफुल होती है, आपको बेहतरीन चीज चाहिए, आपको इंडियन कंडीशंस के हिसाब से चाहिए, आपको जो चीजें वहां चल रही है वो चीजें यहाँ नहीं चल रही, क्योंकि वहां पे पावर फ्लक्चुएशन नहीं है, वहां पे आपको डिप्स नहीं आएंगे, वहां पे अगर भी पावर नहीं आता तो वो सारी चीजें यहाँ के लिए आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो एक बेहतरीन ग्लोबल मशीन हो जो इंडिजिनाइज की जाए, जो इंडियन एटमोस्फियर के हिसाब से बजट बनाई जाए। देखिए 1,00,000 रुपए की मशीन हो या 5,00,000 इन्वेस्टमेंट है, ऐसे थे ये चाइनीज खिलौना की एक बार शुरू खोल दिया फिर जुड़े नहीं जुड़े, वैसा नहीं होना चाहिए। तो एक स्टडी मशीन हम मार्केट को देना चाह रहे हैं जो कि बहुत अच्छे फ्लो रेट पे आयोनाइज करे, 18 प्लेट है इसके अंदर, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है, पावर इसमें इतनी है कि किसी भी टीडीएस के पानी को बिना किसी केमिकल डाले, यानी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड डाले बिना, सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट के यूज करता है, और जो फिल्टर फिल्टर के अंदर भी बिट्स है जिसको क्लोरीन ब्लॉकर बोलते हैं, क्या होता है क्लोरीन ब्लॉकर, कुछ नहीं होता। कॉन्टैक्ट से यदि पानी अल्कलाइन करना है तो मैं फिर से कह रहा हूँ चूना डाल दीजिए पानी में, और आप अपने शरीर को भी चूना लगा रहे हैं, आपको आयोनाइजेशन करना है तो हमने ये दोनों चीजें मशीन में दिखाई भी नहीं देगी आपको, ना तो कोई नमक का डब्बा पड़ा होगा और ना कोई फिल्टर के नाम पे सड़ेत्र होगा, सीधा एक आयोनाइजर है, एक बेहतरीन सर्किट है, एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, पानी का फ्लो आया और आपको 2.5 पीएच से लेके 11.5 पीएच का पानी एक अच्छी फ्लो रेट पे मिलेगा। ओआरपी वैल्यूज जो है ये आपकी 800 माइनस तक आपको दिखाई देगी, हमारे ट्रायल्स में तो 1100-1200 तक है, परंतु डेफिनेटली क्लेम करने के लिए हम लोग एवरेज जो भी क्लेम आएगा 800 के ऊपर रहेगा। सर मैं हूँ अभी गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ, और यहाँ ज्यादातर टीडीएस का प्रॉब्लम है और पानी नमक वाला है, तो यहाँ जितनी भी मशीनें लगती है वो साल दो साल में अपना दम तोड़ ही देती है, नमक आ जाता है उसमें कितनी भी महंगी मशीन लगा लो। तो इसके लिए हमारी मशीन के ऑटो क्लीनिंग सिस्टम है, ऑटो क्लीनिंग सिस्टम में सिर्फ एक बटन दबाना है, इसके अंदर एक बुकलेट होगी, ये बेहतरीन होता है जब आप नींबू का रस जी एक छोटे कटोरी में कप में ले रहे और नींबू के रस को अंदर डालते हैं और ऑटो क्लीनिंग सिस्टम पे चला रहे और फिर 5 मिनट के लिए पानी को यूज ना करें, ऑटो क्लीन करेगा। 6 माइक्रोन की कोटिंग है प्लैटिनम की, जो कि हाईएस्ट कोटिंग है वर्ल्ड वाइड, इससे ऊपर कोई कोटिंग करता है बहुत महंगा पड़ता है। हमने हर एक चीज को बहुत क्वालिटी के साथ मैन्युफैक्चर कराया है, ग्लोबल पार्टनर्स लाए हैं इसमें, जो जो लोगों ने मैन्युफैक्चर किया है उनको क्वालिटी सबसे ऊपर पैरामीटर दिया गया है, हमें 6 माइक्रोन कोटिंग चाहिए, हमें 25 साल की सेल्फ लाइफ चाहिए आयोनाइजर की, और उस तरीके के सर्टिफिकेट्स हमारे पास आए हमारे वेंडर्स के, एक बेहतरीन मोल्ड डिजाइन किया गया। देखिए अभी ये जो मार्केट है बहुत बड़ा खुलने वाला है सर, ये मार्केट खुलने से पहले ही काफी लोग आपके इस प्रोग्राम के पीछे लग चुके हैं। एक ही है कि एनर्जी सिर्फ एक ही कंपनी है, तो ये दूसरा अपना लोगो लगे एनर्जी कैसे मार्केट में सेल कर रहे हैं, कैसे बुकिंग चालू करें? हम तो खुले आप बेच रहे हैं, कल से बेचना शुरू करेंगे। इसके ऊपर हो सकता है कि आपके एम्प्लॉय पे या आपके जो भी लीडर्स होंगे मार्केटिंग जो हेड होंगे उनके ऊपर कुछ लोग एक्शन भी ले लें, बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो उसके बारे में सर कल होना तो नहीं कि प्रॉब्लम लीडर्स को आएगी ना, कुछ नहीं आएगी, आने तो दीजिए, एक नोटिस तो आने दीजिए, तैयारी के साथ आप बड़ा काम इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट यदि हमने की है और कोई पर्टिकुलर लोगो यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका पेपर वर्क होगा हमारे पास, हम लोग खुलेआम बेच रहे हैं, खुलेआम काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग यदि कोई नोटिस आता है, यदि कोई आता पूछता है तो डेफिनेटली उसको लॉजिकल आंसर देंगे,
और सरप्राइज मत होइएगा, ऐसा भी ना हो जाए कि जो लोग नोटिस भेज रहे हैं कहीं वो लोग भी इस लोगो को लगाने के लिए बैन ना हो जाए, क्योंकि जिस लोगो को हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर आर यानी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेटली पूरे पेपर वर्क के साथ में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी कोताही नहीं की जाती, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है हमारा और इसके अंदर कहीं पर भी कोई लीगल आंच आए ऐसा काम नहीं करेंगे। तो ये जो भी हम लोग यूज करें प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, प्रॉपरली हमारे पास इसका पेपर वर्क है। देखिए बहुत सारी चीजें ओपन प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं करनी चाहिए, परंतु इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि कोई भी लीगल काम नहीं है। यदि किसी को कुछ गलत लगता है तो हमें नोटिस भेजें, हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस पर हम नोटिस का स्वागत करेंगे और उसका अच्छे तरीके से जवाब देंगे। आप समझ जाओगे कि कभी भी नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग इस चीज को जानते हैं उन्हें पता है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल लॉजिकल है, लीगल है, एथिकल है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें एनर्जी आयनाइजर को लेके। तो दोस्तों अभी आप तन मन धन से लग जाइए और जो प्रोग्राम और एक आधे घंटे बाद मैं आपको लाइव दूंगा आज मेरा, उसके अंदर आप अपनी जिंदगी बदल देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।